हेलो फ्रेंड्स, इन द फर्स्ट पार्ट हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स फंड आज के डेट में क्यों पॉपुलर है। मैंने एक बहुत दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था इंडेक्स फंड के ऊपर कि व्हाई यू मस्ट इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। तो इसका बेसिक लॉजिक यही है कि भाई एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा क्या चीज का मिलता है, स्टॉक सिलेक्शन का मिलता है। उसके लिए एक बहुत हाई फीस चार्ज करता है, वो अराउंड 8%, 1.5%, 2%, अब डिपेंडिंग ऑन की सेबी रेगुलेशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम क्या रही है। इंडेक्स फंड प्लेन एंड सिंपल इंडेक्स को रेप्लिकेट कर देता है कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 स्टॉक्स है, मैं अपने म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में उन्हीं 30 स्टॉक्स को की बास्केट को रेप्लिकेट कर दूंगा। इंडिया में बिकॉज हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड्स ने अल्फा जनरेट कर पाया है एज कम्पेयर टू द इंडेक्स, तो ये एक्सपेंस रेशियो जस्टिफाइड है। यूएस में 90% फंड्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, या 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर बेसिस को देखें, कोई भी बेंचमार्क को मीनिंगफुल मार्जिन से नहीं बीट कर पाया है। बट इंडिया में एक्टिवली मैनेजमेंट फंड्स हैव डिलीवर्ड सुपीरियर रिटर्न्स डिस्पाइट हाई एक्सपेंसेस। इसके वजह से आप देखेंगे कि इंडेक्स फंड में आज भी सिर्फ 5,351 करोड़ है, प्लस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो ईटीएफ होते हैं, जो भी इंडेक्स को भी प्रॉक्सी के बनते हैं, उनमें भी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये समझना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड क्यों रेलेवेंट होते जा रहे हैं। अगर आप देखें एक्टिव फंड्स जो अपने एक्सपेंस को इसलिए जस्टिफाई करते थे कि हम बेंचमार्क जो है हमारा उसको आउट परफॉर्म करेंगे, वो ऐसा नहीं हो पा रहा। अगर आप लास्ट 1 ईयर में देखें तो 91.94% लार्ज कैप फंड्स जिनका बेंचमार्क होता है S&P/BSE 100, 91.94% फंड्स ने इंडेक्स से कम रिटर्न जनरेट किए। 3 ईयर्स में अगेन 90%, 5 ईयर्स में 57% एंड 10 ईयर्स में 64%। मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में अगेन 25% फंड्स ने बीएसई मिड स्मॉल कैप इंडेक्स को से कम रिटर्न जनरेट किया, 56% अंडर परफॉर्म किया है एंड 5 ईयर्स में भी अगेन 40% अंडर परफॉर्म किया है। क्या हो गया आज के डेट में? बिकॉज ये जो रिकैटेगराइजेशन हुआ है म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, तो अब एक टाइटली बैंड है कि 0 to 100, 100 to 150, 250 to 500, इन बैंड्स में ही म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को प्ले करना है। तो अब क्या है, वो डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं हो सकता कि लार्ज कैप फंड है कुछ स्मॉल कैप को पिक करके अपने रिटर्न्स को बढ़ा पा रहा था। हेंस अगर आप देखें लास्ट 10 ईयर्स का हम डेटा देखें तो जनरली टॉप 25 फंड्स जो होते हैं उन्होंने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर हम देखें 2009 में ये निफ्टी का रिटर्न था, बट टॉप 25% फंड्स उससे भी बेटर कर पाया। 2010 में अगेन सेम, 11 पूरा दोनों का नुकसान हुआ, 12 अगेन दे आउट परफॉर्म्ड, 13 में दे अंडर परफॉर्म्ड, 14 में अगेन म्यूचुअल फंड ने आउट परफॉर्म किया, 15 में नहीं कर पाए, 17 उन्होंने किया, 18 में अंडर परफॉर्म किया। तो आप देखें 10 ईयर होराइजन में निफ्टी का रिटर्न था 15.3% और टॉप 25 म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न था 17.3%। दैट मींस उन्होंने 2.1% से आउट परफॉर्म किया। बट 2018 में निफ्टी ने 4.6% रिटर्न दिया एंड टॉप 25 म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव 4.1% का रिटर्न दिया। तो अंडर परफॉर्मेंस इज 8.7%। तो आज के डेट में अब एक्टिवली मैनेजमेंट करने के लिए मैं आपको हायर एक्सपेंस भी दे रहा हूँ एंड उसके बियॉन्ड आप मेरे को अंडर परफॉर्म कर रहे हो सिंपल इंडेक्स से, तो फिर तो मैं इंडेक्स फंड में ही पैसा लगा दूंगा ना जिसका एक्सपेंस रेशियो भी एकदम सुपर लो है। तो आप देखिए आज के डेट में इंडेक्स फंड्स में अच्छे रिटर्न्स आप देखिए अगर आ रहे हैं तो 3 ईयर रिटर्न अगर अपने जनरली देखते हैं तो 12 to 13% आ जा रहे हैं 3 ईयर्स का रिटर्न, और 5 ईयर का अगर आप रिटर्न देखें तो अराउंड 10-ish% है। स्टिल दे आर मच बेटर देन म्यूचुअल फंड अगर आप 40 ईयर होराइजन, 30 ईयर होराइजन देखें, बिकॉज वो जो एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न को ईट कर देता है वो यहाँ पे नहीं होगा। सो द काइंड ऑफ लो कॉस्ट 0.05% पे ETF मिलता है और 0.1% एक्सपेंस रेशियो पे आपको इंडेक्स फंड मिलता है। तो आप देखिए 3 मंथ्स में भी इन्होंने 2% के आसपास रिटर्न दिया। एक्टिवली मैनेज फंड इस रिटर्न को रेप्लीकेट नहीं कर पा रहे। तो इसका सोर्स डिफरेंट वेबसाइट्स एंड एम्फी डेटा है। तो इंडेक्स फंड्स का क्या केस है? नंबर वन, लो कॉस्ट, दे आर पैसिवली मैनेज्ड, तो आपका टोटल उसको सिर्फ करना क्या है, नो ब्रेनर है फंड मैनेजर के लिए, उसको इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है। डाइवर्सिफिकेशन है बिकॉज वो टॉप स्टॉक्स में लगा रहे, तो जो बंदा टाटा मोटर्स या टाटा स्टील में एक साथ पैसा लगा रहा है उसकी जगह वो एक एटलीस्ट
उसको पता है कि मुझे ब्लू चिप फंड्स में लगाना है, तो आप सीधा इंडेक्स फंड में लगा दीजिए, टॉप एंड फंड्स में आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। फंड मैनेजर के एरर का कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज कोई एसेट एलोकेशन में इनएफिशिएंसी हो नहीं सकता है, पुअर मैनेजमेंट नहीं हो सकता, ना वो ज्यादा चर्न कर सकता, बिकॉज उसका सिर्फ मैंडेट है कि मुझे इंडेक्स को रेप्लीकेट करना है। प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, वो ये बोलता है कि भाई एक थ्योरी है कि कोई भी फंड मैनेजर या इन्वेस्टर मार्केट को इन द लॉन्ग रन आउट परफॉर्म नहीं कर सकता है। इवेंचुअली जो भी प्राइस एनोमलीज होंगी उसको कॉम्पिटिटर्स भी डिस्कवर कर लेंगे एंड फिर स्टॉक्स को रीप्राइस कर देंगे एज पर देयर फंडामेंटल वैल्यू। तो इंडेक्स फंड जो मार्केट का लार्जर चंक को रिप्रेजेंट करता है, वो एक्टिवली फंड्स को हमेशा आउट परफॉर्म करेगा इन द लॉन्ग रन। सो ये फोर केसेस, लो कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन, फंड मैनेजर का कोई इसमें एरर या स्कोप नहीं हो सकता, ना वो चर्न कर करके आपके एक्सपेंसेस को स्कूप करवा सकता है, और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड्स है, आपको तो एक तो निफ्टी 50 है ही, फिर एक निफ्टी नेक्स्ट 50 है विच इज द इनक्यूबेटर फॉर द निफ्टी 50, 51 to 100 जिसकी रैंकिंग है। सो आज के डेट में अगर आप देखेंगे बहुत सारे निफ्टी स्टॉक्स प्रोबेबली ओवरप्राइस्ड हो गए हैं। सो उसके वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब एडवोकेट कर रहे हैं कि आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगाइए। प्लस आपके पास सेक्टर इंडेक्सेस भी है, जैसे PSU इंडेक्स है, भारत 22 ETF है जिसमें ITC, LNT जैसे करके जो SUTI का अंडरटेकिंग था, जो उसके पास जो स्टॉक्स उन्होंने भारत 22 निकाला, फिर CPSE इंडेक्स ETF है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ETFs है जो आपको रेप्लीकेट करते हैं इंडेक्स को, डिफरेंट फंड्स। ये पूरा हिस्ट्री है, 2002 में लॉन्च हुआ, कौन इश्योर है, बिरला, DSP, फ्रैंकलिन, HDFC, ICICI, IDBI, LIC, प्रिंसिपल, रिलायंस, ऑलमोस्ट एवरीवन इन द मार्केट आज के डेट में ETF या इंडेक्स फंड ऑफर करता है। एडलवेस इसके अंदर भी क्वालिटी 30 डालता है कि भाई 50 के अंदर भी क्वालिटी 30 उसके हिसाब से क्या वो उसमें डालता है, तो थोड़ा डिस्क्रिशन है। फिर वैल्यू 20 ETF, PSU बैंक ETF, तो मैं बता रहा ना ETF किसी भी चीज पे हो सकता है, गोल्ड पे भी हो सकता है, PSU बैंक्स पे भी हो सकता है, फार्मा ETF कुछ भी हो सकता है। सो हम नेक्स्ट सेगमेंट में ये देखेंगे कि ETF और इंडेक्स फंड में कौन सा बेटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।